नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लगातार झारखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ पूर्वी सिंहभूम के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में। यह अस्पताल काफ़ी बड़ा है, सरकारी है और यहाँ पर दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। खासकर लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग केवल मजबूरी में इलाज करवाने के लिए आते हैं। इसके पीछे की वजह है एमजीएम अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था। आपको ना ये अस्पताल 10 साल पहले आप आएंगे तब भी आपको ऐसा ही दिखने को मिलेगा, और आज अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर तो आपको अस्पताल में कोई भी बदलाव, कोई भी सुधार की कोई गुंजाइश देखने को नहीं मिलेगी। ठीक एक महीने पहले जब स्वास्थ्य विभाग से अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे तो लोगों को लगा कि अब एमजीएम अस्पताल की रूपरेखा पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन एमजीएम ना तब बदला था और ना अब बदला है, और यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि एमजीएम कब बदल सकता है। तो चलिए हम नज़र डालते हैं एक बार एमजीएम की इस दुर्दशा पर, गरीब किस तरह से परेशान है और मजबूरी में अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे सरकार अगर देते हैं कुछ भी तो अच्छों के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई संस्था खोल रखा है लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। काम चलाओ तो इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखे तो पूरा का पूरा जैसे कि तैसे मरीज को फेंका हुआ है, इस तरीके से है वहाँ पे। सिर्फ जैसा लग रहा है कि बेड खाली नहीं है, नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पे 5 मिनट नहीं रुक सकते हैं, एकदम खराब सा फील हो रहा है, मन कर रहा है अभी चले जाए। मतलब मजबूरी में यहाँ पर लोग आ सकते हैं। यहाँ पर आप किस लिए आए? मम्मी का चेकअप करवाने के लिए। कितना समय लगता है यहाँ पे ऐसे OPD में खड़े रह के करवाने से? आधा घंटा बस OPD में, फिर इलाज के लिए फिर अलग से समय। पूरे पूर्वी सिंहभूम का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, यहाँ पर लोग दूर दूर से इलाज करवाने आते हैं, पटमदा से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? मतलब यह सुविधा से आप आश्वस्त है पूरी तरह से? सरकारी अस्पताल की व्यवस्था क्या है? कुछ साफ सुथरा नहीं है, इलाज ठीक से होता नहीं है। तो हमने देखी एमजीएम के दुर्दशा की तस्वीर, किस तरह से लोग इमरजेंसी वार्ड में नीचे ज़मीन में लेटकर अपना इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पर पानी भी चढ़ाया जा रहा है मरीजों को, और PPE किट की व्यवस्था पूरी तरह से किसी दुर्दशा से कम नहीं है। यहाँ पर गंदगी का जो अंबार लगा रहता है वो कभी सुधरने वाला नहीं है। यह शहर के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल एमजीएम की दुर्दशा जो कि आए दिन अपनी व्यवस्था के कारण चर्चा का विषय बना रहता है, परंतु यह कोई नहीं कह सकता है कि एमजीएम की यह हालत कब सुधरेगी। यह फिलहाल प्रश्न चिन्ह है उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर अपनी मजबूरी में इलाज करवाने के लिए आते हैं और बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहकर यहाँ पर इलाज करवा चले जाते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।